मुझे 33 साल हो गए, 91 से आज तक आप लगा लीजिए। लड़ाई मेरे मकान तक बिकवा दिया, लड़ते लड़ते 33 साल हो गए, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है। हापुड़ में शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। अधिकारी फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे, किसी के बीच रोती बिलखती एक महिला भी हापुड़ तहसील पहुंची और अपनी 33 वर्ष पुरानी समस्या बताई। आंखों में आंसू और सिसक सिसक कर अपने दर्द को बयां कर रही इस बुजुर्ग महिला का नाम है हेमलता। हेमलता ने बताया कि वो कई वर्षों से सरकारी विभागों के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। हेमलता बात कर ही रही थी कि इसी बीच उनके आंसू छलक आए, फिर भी ये आंखें अधिकारियों से आस लगाए बैठी थी। मेरठ के लोहिया नगर एल ब्लॉक पीर वाली गली की रहने वाली हेमलता शर्मा का कहना है कि वो एक स्कूल में सहायक के पद पर तैनात थी, जिनके स्थान पर किसी अन्य को नियमों को ताक पर रख कर नियुक्त कर दिया, जिसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन किसी ने कुछ खास कदम नहीं उठाया। सहायक पद पर तैनात की भैया, मेरी की नियुक्ति होने के बाद अध्यापक भी रह रहे, प्रिंसिपल भी रह गया और आज पेंशन के लिए भी आदेश हो गए, जबकि मुझे मान रहे सारे अधिकारी, बस आज तक ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, हमेशा से जाते आ रहे हैं सर, अब तो प्राप्त हो रही है फिर भी ये नहीं मान रही, फिर पैसे सर मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए इसका काम कर देते हैं हर बार। मुझे तो ये 33 साल हो गए, 91 से आज तक आप लगा लीजिए, सुनवाई नहीं कर रहे कोई से भी अधिकारी। हेमलता का कहना है कि उनकी समस्या को फाइलों में दबा दिया गया है, ऐसे में उन्होंने अधिकारियों से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। शनिवार को हापुड़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर ने तहसील दिवस पर फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीओ अशोक सिसोदिया, एसडीएम हापुड़ दिग्विजय सिंह, सीएमओ सुनील कुमार त्यागी आदि उपस्थित रहे। इतने साल हो गए, 33 साल मायने रख के मेरा घर तक भी बिगाड़ दिया इन्होंने, मेरा घर भी नहीं छोड़ा, बताइए मेरी नौकरी तो नौकरी, मेरी छत भी नहीं छोड़ी। इतने साल हो गए, 33 साल ये कहो मेरे